हेलो एवरी वन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ तो जैसा कि आपको पता है इस समय इस चैनल पर जी एस सॉरी जॉन गर्ल्स की एम सी क्यूज़ की सीरीज़ चल रही है इसी सीरीज में आज की हमारी वीडियो है इसमें मैं आगे के कुछ क्वेश्चंस को कवर कराऊंगी और आज का हमारा ये लास्ट पार्ट होगा जॉन गर्ल्स वर्दी के वर्क्स पर अब इसके बाद में मैं जॉन मिल्टन की एम uh, की सीरीज़ लाऊंगी मंडे से ठीक है और इसी संडे मतलब कल क्या होगा आपके लिए एक टी का प्रैक्टिस सेट भी मैं अवेलेबल कराने वाली हूँ चैनल पर ठीक है तो जुड़े रहें चैनल के साथ देखते हैं अब अपनी वीडियो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से देखिए हमने यहाँ तक के क्वेश्चन कवर अप कर लिया था अब इसे क्वेश्चन को देखते हैं हाउ आइडलिस्ट एंड विजनरीज आर क्रूसीफाइड एट द ऑल्टर ऑफ मोव मेंटेलिटी बिकम्स द थीम ऑफ थीम ऑफ बताइए किसकी थीम बनी है ये एक बार दोबारा रीड आउट करते हैं क्या है हाउ आइडलिस्ट एंड बिजनरीज आर क्रूसीफाइड एट द ऑल्टर ऑफ मोव मेंटेलिटी बिकम्स द थीम ऑफ ऑप्शन आर द मोव द जॉय द शो द स्किन गेम वॉट इज द करेक्ट आंसर सोचिए आंसर कीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर यस ये जो थीम है वो है द मोव की ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट देख लेते हैं यू मोव आर मोस्ट कंटेप कंटेम्प्टिव कंटेप्टेबल थिंग्स अंडर द सन यू आर द थिंग दैट पेल्स द वीक Kicks woman, hurts down, free speech. This is today, that tomorrow. Brain you have none, is pride not the least of it. The description of Mo appears in the play The Mo. Who wrote the play? कौन है इस play का writer? ये तो बहुत ही easy हो गया। देखें, ये line कहाँ से ली गई हैं? ये line ली गई है The Mo से और The Mo का writer कौन है? ऑप्शन आगे दिए हुए हैं ऑप्शन है शॉ येट्स इलियट कॉल्स तो क्या होगा इसका राइट आंसर यस ऑब्वियस नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एनीवन बिलिंग टू सिक टू हाई प्रिंसिपल्स मस्ट बी रेडी टू सफर अपोजिशन एंड प्रोसिक्यूशन सॉरी प्रोसिक्यूशन इन हिज लाइफ दिस डिस्क्रिप्शन फिट्स टू वन ऑफ द प्लेज ऑफ गॉल्स वर्दी नेम द प्ले यह डिस्क्रिप्शन एक गॉल्सवर्दी के एक प्ले को में फिट होता है वो कौन सा प्ले है द जॉय अ बिट ऑफ लव दो द शो द स्किन गेम इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है एनिमन विलिंग टू स्टिक टू हाई प्रिंसिपल्स Must be ready to suffer opposition and prosecution in his life. This description fits to one of the plays of Goldsworthy. This play named Matana? Yes, the right answer is A Bit of Love. Option number B is the right answer. Moving to the next. The play Loyalties is a cry against racial prejudice. Uh, आगे लिखा हुआ है शोन यहां पर एस रेज हो गया है द प्ले लॉयल्टीज इज अ क्राई अगेंस्ट रेशियल शोन बाय द क्रिश्चियन टू कैप्टन डेंसी अ इट इज रिटन बाय ये किसके द्वारा लिखी गई है लॉयल्टीज बुक कौन नहीं जानता इसे बहुत ही फेमस वर्क है और किसके द्वारा लिखा गया है यस जॉन गॉल्सवर्दी के ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर मूविंग टू द नेक्स्ट नेक्स्ट इज द राइटर ऑफ द बुक गर्ल्स वर्दी एज अ ड्रामेटिक आर्टिस्ट इज जो गर्ल्स वर्दी की बुक का राइटर है ठीक है द राइटर ऑफ द बुक गर्ल्स वर्दी एज अ ड्रामेटिक आर्टिस्ट बताइए इस बुक का राइटर कौन है गर्ल्स वर्दी एज अ ड्रामेटिक आर्टिस्ट ऑप्शन आर एलेरडिस निकोल डब्ल्यू एच फिलिप्स आर एच कोर्ट या नन ऑफ दीज वाट इज द करेक्ट आंसर सोचिए आंसर कीजिए यह बुक जो लिखी गई है ड्रामेटिक आर्टिस्ट ये किसने लिखी है आर एच कोर्ट ने ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर मूविंग टू द नेक्स्ट एज ए नॉवलिस्ट गर्ल्स वर्दी बिगिन हिज करियर एट द एज ऑफ थर्टी एंड हिज फर्स्ट बुक फ्रॉम द फोर विंड्स वॉज पब्लिस्ड अंडर द नेम ऑफ देखिए इसमें कहा गया है कि एज अ नॉवलिस्ट गर्ल्स वर्धी ने जो अपना करियर शुरू किया था वो थर्टी की एज में किया था और उनकी जो फर्स्ट बुक थी द फोर विंड्स ठीक है ये कब मतलब किस नाम से पब्लिश हुई थी क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग के जो अपने वर्क थे ना वो अपने रियल नेम से पब्लिश नहीं किए थे इन्होंने एक सूडोनिम का यूज किया था और वो सूडोनिम क्या था ऑप्शन आर इलिया जॉन्स सेल्फा ब्लेयर या फिर जॉन्स एंड जोन राइट आंसर इज जॉन्स इन जॉन ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर मूविंग टू द नेक्स्ट अथॉरिटी ऑन द पार्ट ऑफ बाउंड टू लीड द रिविलियन इन यंग हर्ड्स ऑफ ग्रोन अप पीपल द डिस्क्रिप्शन अप्लाइज टू वन ऑफ द प्लेज ऑफ गर्स प्ले इज ये प्ले कौन सा है टू मच एग्जीबीशन ऑफ अथॉरिटी ऑन द पार्ट ऑफ द एल्डर्स इज बाउंड टू लीड द रिविलियन इन दंग हर्ड ऑफ ग्रोन अप पीपल ऑप्शन आर द जॉय अ फैमिली मैन द शो या फिर स्किन गेम वॉट इज द राइट आंसर सोचिए आंसर कीजिए क्या होगा करेक्ट आंसर यस द करेक्ट आंसर इज अ फैमिली मैन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर मूविंग टू द नेक्स्ट Justice has less equality. Wait a minute. Yes. Justice has less equality in the scales than its title would seem to demand. Whose statement is this? Kiski statement. Justice has less equality in the scales than its title would seem to demand. Options are W L Phillips. George Sampson, Eliades, Nicole, none of these. Kahu correct answer. Yes, the right answer is WL Phillips. Option number A is the correct answer. Moving to the next. Justice is a legal. Justice is a legal diagram used to harrow the feelings of the audience with the harrows. Sorry. यहां पर विद द हॉरर्स ऑफ द प्रीजन लाइफ ओके जस्टिस इज अ लीगल डायग्राम यूज टू हैरो द फीलिंग ऑफ द ऑडियंस विद द हॉरर ऑफ प्रीजन लाइफ स्टेटमेंट इज दिस? आर जॉर्ज सैमसन डब्ल्यू एल फिलिप्स निकोल नन ऑफ दीज बताइए ये स्टेटमेंट किसने दी है हु Justice is a legal diagram used to harrow the feelings of the audience with the horror of the prison life. Sochi answer. Yes, this statement is said by George Sampson. Option number A is the right answer. Moving to the next. Injustice, we feel. Injustice, we feel the waste implied. बाई द फॉल्डर्स सुसाइड हुईड बाई द फॉल्डर सुसाइड ऑप्शन आर एलियारिकॉल किसकी स्टेटमेंट है बेसिकली यह पूछा जा रहा है जॉर्ज सैम्सन डब्ल्यू एल फिलिप्स या फिर नन ऑफ दीज क्या होगा राइट आंसर इसका यस राइट आंसर इज एलियाड इज निकॉल ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर मूविंग टू द नेक्स्ट हिज प्लॉट आर नोट द अनबाइंडिंग ऑफ अ स्किन ऑफ कॉम्प्लीकेटेड हैपनिंग्स हिज क्लाइमैक्सेज आर गुड दिस स्टेटमेंट ऑफ कोर्ट्स इज अबाउट ये किसके बारे में है लाइन ए हिज प्लॉट आर नोट द अनबाइंडिंग ऑफ अ स्किन ऑफ कॉम्प्लिकेटेड हैप्पनिंग्स हिज क्लाइमेक्स आर गुड ऑप्शन आर मिल्टन शेक्सपियर गॉल्स वर्दी शॉ वट इज द करेक्ट आंसर यस ये किसके बारे में कही गई है गॉल्स वर्दी के ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट है इन स्ट्राइफ द कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन स्ट्राइफ में कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है इन स्ट्राइक ठीक है यहाँ पे आई है ऑप्शन है कैपिटल एंड लेबर फेयर एंड ब्लैक हाई कास्ट एंड लो कास्ट नन ऑफ दीज तो आप इस्ट्राइप की अगर आपने स्टोरी समरी पढ़ी है तो आप आसानी से आंसर कर लोगे क्या हुआ इसका राइट आंसर स्ट्राइक को बेसिकली आप स्ट्राइक के नाम से समझें अगर स्ट्राइक है तो वो स्ट्राइक में ही हुई है ठीक है और स्ट्राइक कब किसके बीच में होती है लेबर्स की स्ट्राइक होती है अपने कैपिटलिस्ट के लिए ठीक है तो किस किस के बीच का ये कॉन्फ्लिक्ट होगा कैपिटल एंड लेबर्स ठीक है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर मूविंग टू द नेक्स्ट देखिए यहां भी इन लिखा हुआ है स्टार्टिंग में इन लॉयल्टीज द इज़ बिटवीन डिफरेंट लॉयल्टी लॉयल्टीज एंड लॉयल्टीज में द इज बिटवीन डिफरेंट लॉयल्टीज यहां भी एल है लॉयल्टीज एंड रेस ऑफ प्रेजुडाइस द ब्लैक ट्रेटर्स मन ऑफ दीज क्या होगा इसका राइट आंसर यस द रेस ऑफ प्रेजुडाइस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर गोविंग टू द नेक्स्ट इन जस्टिस द कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड जस्टिस में कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो एक इंडिविजुअल और द फिजिकल फोर्सेस पॉलिटिकल फोर्सेस एनवायरमेंटल फोर्सेस या फिर सोशल फोर्सेस किस किस के बीच का कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट uh, है इंडिविजुअल और यस द सोशल फोर्सेस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर द सोशल फोर्सेस नेक्स्ट इन हिज लेक्चर ऑन द क्रिएशन ऑफ कैरेक्टर इन लिटरेचर गॉल्सवर्दी डिस्कसेस हिज थियरी एंड फॉर्मूला ऑफ ऑप्शंस आर प्लॉट डायलॉग कैरेक्टराइजेशन नन ऑफ दीज बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा इन हि लेक्चर ऑन द क्रिएशन ऑफ द कैरेक्टर इन लिटरेचर गर्ल्स वर हिज थियरी एंड फॉर्मूला ऑफ कैरेक्टराइजेशन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर मूविंग टू द नेक्स्ट द लिटिल मैन आ फार्सिकल मोरालिटी इज इन फोर सीन्स थ्री सीन्स फाइव सीन्स या नन ऑफ दीज बताइए द लिटिल मैन ऑफ फार्सिकल मॉरलिटीज इज इन क्या होगा इसका राइट आंसर कितने सीन्स है बेसिकली इसमें यस थ्री सीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट देख लेते हैं विच प्ले डील्स विद डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द ओल्ड यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हुआ है एरिस्टोक्रेटिड ठीक है ओल्ड एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यूली रिच बिजनेसमैन, मैन विच प्ले डील्स विद द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यूली रिच बिजनेस मैन ऑप्शन आर स्ट्राइफ लॉयल्टीज स्किन गेम जस्टिस क्या होगा इसका राइट आंसर यस द राइट आंसर इज स्किन गेम ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट देख लेते हैं विच प्ले डील्स विद क्लास लॉयल्टी विच प्ले डील्स विद क्लास लॉयल्टीज एंड पेजुडाइसिस कौन सा प्ले डील करता है बताइए क्लास लॉयल्टीज और पेजुडाइसिस ऑप्शन आर स्किन गेम लॉयल्टीज एस्केप या फिर स्ट्राइव सोचिए आंसर कीजिए Class loyalties and prejudices. Yes, it is related to loyalty. Option number B is the right answer. Or today's last question is Who published some verses in moods, songs, and doggerels? 1912, The Bells of Peace, 1921, and the verses new and old, 1926. कौन पब्लिश करता है सम वर्सेस सम कुछ वर्सेस को कौन पब्लिश करता है जैसे कि इन मूड्स सॉन्ग्स एंड डोगीन 1912 में एंड द बैल ऑफ पीस 1921 एंड वर्सेस न्यू एंड ओल्ड 1926 हु इज द राइटर सोचिए आंसर कीजिए यस द राइटर इज जॉन गर्ल्स पर दी ध्यान रखना है गर्ल्स वर्दी के सारे वर्क्स को आपको ठीक है तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए ठीक है अभी हम देखते हैं एक आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे टी का उसके बाद मंडे से हम जॉन मिल्टन के एम को शुरू करने वाले हैं इस्पेशली पैराडाइज लॉस्ट स्पेशल होगा क्योंकि उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं तो उसके लिए स्पेशली मैं अलग से क्वेश्चन कवर करूँगी उनके मतलब पैराडाइज लॉस्ट के उसके अलावा जॉन मिल्टन के जितने भी वर्क्स हैं उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को कवर अप करेंगे हम ठीक है तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी थैंक यू